नमस्ते बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में देखने जा रहा है। जिसे क्या है विशेषण? विशेषण मीन्स एडजेक्टिव्स। अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। आज हम जानेंगे विशेषण क्या है, विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेषण का उदाहरण क्या है। पहले हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है। संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संख्या क्या है? संख्या मीन्स नाम, नाम बताने वाले शब्द को संख्या कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सुंदर विद्यालय, होशियार बच्चे, बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्दों से किसी न किसी की विशेषता बता रही है। सुंदर विद्यालय, विद्यालय व विद्यालय की विशेषता क्या है? विद्यालय की विशेषता व सुंदर है। सुंदर विद्यालय, होशियार बच्चे, बच्चा की विशेषता होशियार है। बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्दों किसी न किसी भी विशेषता पदा रही है। उसे संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के उदाहरण अच्छा, छोटा, काला, मीठा, कोमल आदि इसका उदाहरण। विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण चार प्रकार के हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण चार वे हैं। वे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण चार प्रकार के हैं। वे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के बारे में, गुण के बारे में अच्छा, अच्छा, छोटा, बुरा, वीर, आकार के बारे में, आकार के बारे में छोटा, पतला, मोटा, दिशा के बारे में कूर्दी, दक्षिणी, उत्तरी आदि। गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण सुंदर चित्र, सुंदर चित्र, अच्छा मकान, सुंदर चित्र, अच्छा मकान। इस उदाहरण में चित्र, सुंदर चित्र, चित्र, चित्र की विशेषता तो सुंदर है। चित्र की गुण के बारे में विशेषता बता रही है। अच्छा मकान, मकान की विशेषता अच्छा है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
दिस वन संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या मीन्स गणना, संख्या या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या के बारे में, संख्या के बारे में गणना, एक दो तीन चार, क्रम के बारे में दूसरा तीसरा आदि, संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, दस गुण लोग, दस गुण लोग, तो लड़के, सब लड़के, दस गुण लोग, दस गणना के बारे में विशेषता पदारवी है, तो लड़के गणना के बारे में विशेषता पदारवी है, सब लड़के आदि इसका उदाहरण। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का ज्ञान, संख्या हरना क्रम का ज्ञान होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में उसका ज्ञान, संख्या या गणना क्रम का ज्ञान नहीं होता है, वे उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट वन परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण। इसका उदाहरण, चार मीटर कपड़ा, चार मीटर कपड़ा, एक लीटर दूध, चार मीटर कपड़ा, मीटर माप तोल के बारे में बताते हैं, एक लीटर दूध, लीटर माप तोल के बारे में बताते हैं, वह उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है परिमाणवाचक विशेषण? क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध बताते हैं, वे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान न होता है, वे उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु के, किसी के माप, तोल का ज्ञान होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में माप, तोल का ज्ञान न होता है, नहीं होता है, वे उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या है? किसी की बोध, निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण, यह लड़का मेरा मित्र है, यह लड़का मेरा मित्र है,
इस वाक्य में एक शब्द क्या है? एक शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यक्ष लड़का शब्द के, यक्ष शब्द लड़का शब्द के सार्वनामिक संकेत का बोध कराते हैं, वे उसे संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। यह लड़का मेरा मित्र है। इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, क्योंकि यह शब्द लड़का के बारे में विशेषता बताते हैं, वे इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। किसी की बोध निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का उदाहरण अच्छा, छोटा, काला, मीठा, कोमल। इस वाक्य में सुंदर विद्यालय, होशियार बच्चे, बुद्धिमान अध्यापक, अच्छी पढ़ाई आदि इन शब्द में किसी न किसी भी विशेषता पता रहती है, वे उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? विशेषण चार प्रकार के हैं, वे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के गुण, आकार, दिशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्या या सर्वनाम के संख्या या गणना क्रम के बारे में विशेषता है, वे उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? किसी वस्तु के माप, तोल या परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के हैं? परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? किसी की बोध निर्देश या संकेत का बोध कराने वाले विशेषण को सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कंक्लूडेड। होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड वेरी वेल। आई विल सेंड यू नोट फॉर दिस ग्रामर। हैव यू राइट इट ऑन योर क्लास वर्क नोट। धन्यवाद बच्चों।